जी हम लोग नाइट में ड्यूटी के 8 बजे, ठीक। उसके बाद हम लोग पूरी नाइट ड्यूटी किए जी। उसके बाद हम लोग को पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 5:30 बजे हम लोग छुट्टी कर चले वहां से काम छोड़ के। उसके बाद हम लोग जब चल लिए तो एक आदमी आया दौड़ते उधर से जहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो उसके बाद आया तो वो बोला कि टेंडल बंद हो गया। हम लोग को पता नहीं था, तो आया बोला कि टेंडल बंद हो गया। क्या हो गया? पहले गिरा तो बहुत तेज आवाज का जैसे ब्लास्ट हो रहा है, बहुत तेज गिरा। तो हम लोग सोचा कि कुछ सरिया उड़िया कोई टूटा होगा, नहीं कोई प्लेट उलट गिराया होगा तो आवाज देता है ज्यादा, जैसे कि मतलब कि वो ग्राउंड का पूरा कंक्रीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए तो अभी गिरता था पूरा 2 दिन गिरा लगातार। उसके बाद जब बंद हो गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग को दिमाग नहीं आया क्या करें क्या कर। पूरा सब लोग डर गया थोड़ा बहुत कि हम लोग फंस गया। उसके बाद हम लोग फिर 17 दिन के बाद जी रुकिए अभी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद शुरू से बोल रहा हूँ ना। उसके बाद हम लोग क्या करें तो एक दिमाग लगाया, मतलब हमारे वो फोरमैन साहब थे, मतलब एक था मतलब हिमाचल का था, एक था बिहार का, वो भी फंस गए थे, और एक साहब था पलिया का, वो सर्वे इंजीनियर था, वो सब फंस गए। उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग पानी डिवाटरिंग किया बाहर 3 बार किया। उसके बाद बाहर के आदमी देखे कि पानी आ रहा है, अंदर आदमी है। उसके बाद हम लोग क्या, पाइप खोल लिया, पाइप खोलने के बाद कोई आवाज नहीं दिया। उसके बाद हम लोग लेट गए टेंडल में। लेटने के बाद जब एक आदमी कम से कम 18-19 घंटे के बाद वो आवाज दिया पाइप से, तो हम लोग सुन लिया। सब लोग हड़बड़ा कि कौन सा कहाँ से आवाज आया कि कौन बोला। उसके बाद सब ने देखने लगे, आवाज मतलब कान रख रख के अपने मतलब वो करने लगे। उसके बाद पाइप से बोल रहा था वो, तो हमारे साहब ने बोले कि पहले ऑक्सीजन भेजो, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए हमको, हमारा शरीर थोड़ा डाउन हो रहा है। ऑक्सीजन जब भेजने लगे तो हमारा मतलब शरीर में कुछ आने लगा ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ देर जब 18-20 घंटा हो गया, उसके बाद पाइप द्वारा वो जो चावल का मूली नहीं होता है, भुजा, हम लोग भुजा कहते हैं, उसको चना और उसको भेजने लगे पाइप द्वारा। उसके बाद हम लोग खाया 10 दिन, उसको 10 दिन खाया, वैसे ही पड़ा रहे 10 दिन, उसी को खा के हिम्मत बढ़ाते रहे, अपना हिम्मत करते रहे। उसके बाद जब 11वां दिन हुआ, उसके बाद 6 इंची का पाइप डाला मशीन, 6 इंची का पाइप डाला। उसके बाद वहां से आया कैमरा, आया माइक लगा, फोन लगा अंडर। उसके बाद उसी से खाना आने लगा, सब कुछ आने लगा। उसके बाद हम लोग का राहत मिला। तो 17 दिन के बाद अपने परिवार से आपने जी कैसा लगा? अब तो 17 दिन के 21 दिन हो गया जी, अब बहुत अच्छा लगा। आज परिवार के साथ अब दीपावली मना रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं परिवार के साथ, पूरे परिवार, पूरा भाई बहन, अच्छे ने बहुत मदद की जी, जी। जो उसके बाद दीपावली के बाद जब हादसा हुआ तो हमारे जो सरकार थे, जो झामी साहब, वो कंटिन्यू ड्यूटी दिया, वो रात दिन निकालने के लिए, वो दीपावली भी नहीं मनाए। धामी सरकार ने आप लोगों को 1 लाख का चेक दिया है जी, दिया है। क्या कहेंगे? ये जो हमको जब निकाले बाहर निकाले तो उसके बाद हम लोग को भेजे अस्पताल, भेजे वहाँ पे पूरा चेकअप हुआ। उसके बाद धामी साहब पूरा व्यवस्था किया था, खाना पीना सब कुछ, बेड से लेके सब कुछ, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सब कुछ हुआ, चेकअप हुआ, सब कुछ शरीर पूरा चेक हुआ। उसके बाद हमारे धामी साहब फिर सुबह मिलने आए सबसे, 41 आदमी थे, तो उसके बाद सबसे मिले और 1-1 लाख का चेक दिए सबको, जितना आदमी फंसे थे, और फिर भी कम्बल लिए,
जूता दिए, जैकेट दिए, ये भी जैकेट पहने हैं, दो दो जैकेट दिए, चादर भी दिए, बहुत सारे सामान दिए। अच्छा, जो दीपावली आप नहीं मना पाए थे, आज घर वालों के साथ आप मना रहे हैं अपने गांव में आकर के, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे।